सारा समझ ले एक पावन यज्ञशाला विश्व यह सारा समझ ले एक पावन यज्ञशाला ज्ञान दीपक का यहाँ पर ओ सदा अभिनव Money, money.
से बात करें तो क्रिश्चियन के हमारे धर्म हमारी जो बुक है वो बाइबल है। किसी अगर भारतीय से पूछें तो भारतीय कहेगा हनुमान चालीसा है, कोई कहेगा हमारे पास हमारे घर में माता पिता छोड़ के गए थे एक छोटी सी पुरानी सत्यनारायण व्रत कथा रखी वो रखी किताब। तो कईयों को हमें से लोगों को मालूम नहीं है कि हमारी जो मूल किताब है वेद, हमारा जो मूल है धर्म का मूल है वेद अखिलस्य धर्म मूलम, सारे धर्मों का मूल अगर कोई है तो वेद। तो वेद जो है वो सारे सारे धर्मों के साथ यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी का भी अगर कहीं कोई अगर जब हिस्ट्री ट्रेस करेगा तो उसको पता चलेगा कि वो वहीं से निकली है, पूरी की पूरी शाखाएं जितनी निकली हैं। वेद हमारे चार हैं, आपने सुना होगा कि हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चार वेद हैं। तीन वेद पहले लिखे गए थे, वेद त्रयी कहे जाते हैं, चौथा वेद जो है श्री कृष्ण भगवान के जमाने में लिखा गया द्वापर में, जब अथर्वण ऋषि आए तो उन्होंने लिखा उसको अथर्व। अथर्ववेद पूरा का पूरा आयुर्वेद पर आधारित है, मंत्र चिकित्सा के ऊपर आधारित। मैं इसलिए इतनी जानकारी दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ इतनी दूर रहते हैं हिंदुस्तान से, कुछ चीज़ें मैं आपको दे जाऊँ ताकि आपको फिर बातचीत हो तो आप लोग आपस में बातचीत करें। यज्ञ के पहले की पृष्ठभूमि हमारी जो गायत्री है ये पूरी तरह से यज्ञ के जननी है और यज्ञ के साथ साथ हमारे वेदों की जननी है। वेद जितने भी हैं वो रचे गए हैं गायत्री मंत्र के द्वारा, गायत्री को माता के रूप में मान लीजिए चाहे मंत्र के रूप में मान लीजिए, आर्य समाज जैसा कहते हैं कि मंत्र के रूप में है सूर्य की आराधना, किसी भी रूप में मान लीजिए, पर गायत्री एक फिलोसफी, गायत्री एक दर्शन है, गायत्री एक जीवन जीने की पद्धति है। और उस गायत्री मंत्र का जब अर्थ हम करते हैं तो उस प्राण स्वरूप सुख स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को हम अंतरात्मा में धारण करें। परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इसी को भूल जाते हैं, अपने अंदर के अंतरात्मा को भूल जाते हैं। परमात्मा का बार बार ध्यान करते हैं, कृष्ण कन्हैया के रूप में ध्यान करते हैं, कभी किसी रूप में ध्यान करते हैं, कभी गुरु के रूप में ध्यान करते हैं, पर कभी ध्यान करके यहाँ स्थित नहीं करते। ध्यान करें तो यहाँ स्थित करें, यहाँ बैठे हैं हम ध्यान करते हैं और हम परमात्मा को अंतरात्मा ध्यान करते हैं ताकि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। गायत्री मंत्र जो है हमारी भारतीय संस्कृति में तो कहा गया धर्म, भारतीय धर्म की अगर कोई माँ है, भारतीय संस्कृति की कोई माँ है वो है हमारे गायत्री मंत्र। अगर कोई पिता है तो वो यज्ञ है। वास्तव में सही अर्थों में यज्ञ की धुरी के चारों तरफ सारा शस्त्र यज्ञो अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। इस विश्व भुवन की कोई न्यूक्लियस है, अगर कोई ठीक से आपने तो कई लोगों पढ़ी होगी न्यूक्लियस है तो वो यज्ञ के चारों तरफ सारा चल रहा है। यज्ञ जो है ये एक बहुत पावन कर्म बताया गया है, परमात्मा के लिए किया गया श्रेष्ठतम कर्म। और जो यज्ञ करता है उसको ये कहा जाता है कि वो परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता निभाता है। यज्ञम उ देवानाम अन्नम, यज्ञ देवों का अन्न है। देवता भोजन अपने जैसा नहीं करते, देव इन्हें जितनी देव शक्ति है जो पानी बरसाती है, जो पर्जन्य बरसाती है, जो प्राण बरसाती है, या हम लोग जिनके ऊपर जिनकी कृपा पर टिके हुए हैं वो सारा के सारा जो है वो यज्ञ से आहुति जो हम देते हैं वो देवताओं को तृप्त करते हैं। देवताओं को तृप्त करने से देवता हम पर प्रसन्न।
प्रसन्न होते हैं और हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यज्ञ कई प्रकार के बताए गए, यज्ञ में सकाम यज्ञ भी है, कई प्रकार के यज्ञ, पर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबसे बड़ा कर्म यज्ञ वो है जो निष्काम यज्ञ बिना किसी कामना के। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मनोकामना जहाँ जिसमें लिप्त हो जाती है उसमें हमारा स्वार्थ लिप्त हो जाता है। परमार्थ के लिए किए गए कर्म में जब स्वार्थ डाल देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे महामंडलेश्वरों के उनके निर्देशन मुझे आते रहते हैं, आप हमारे सहस्त्र लक्ष्य वेदी लक्ष्य कुंडी किसी यज्ञ में कोई काली माता काली के नाम पर करते हैं, किसी के नाम पर करते हैं, गणपति के नाम पर करते हैं, किसी के नाम पर करते हैं, तो मुझे आमंत्रित करते हैं, मैं नहीं जाता। उसके कारण इसलिए नहीं कि मैं बहुत कट्टरवादी हूँ, मैं सकाम यज्ञ में विश्वास नहीं करता, मैं निष्काम यज्ञ में विश्वास करता हूँ। जहाँ कहीं निष्काम यज्ञ हो रहा हो, मेरे गुरु ने वहीं से शुरुआत की थी 1918 सहस्त्रकुंड यज्ञ से, तो मैं उसी में पकड़ लेता हूँ जहाँ पर सही अर्थ में आदर्शों की बात चलते चलते। तो आज हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो गायत्री यज्ञ, गायत्री महायज्ञ, और इस महायज्ञ में आप सब भागीदारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान से आए हुए हमारे रशिया में रहने वाले रशियन समुदाय भारतीय समुदाय के अंग हैं, सबके अपने अपने परेशानियाँ भी हैं, सबके अपने अपने कष्ट भी हैं। इस यज्ञ के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे सबके कष्ट भी दूर हों, और जो हमारा युग निर्माण की बात कभी इन्होंने गीतों में कही है, उस युग निर्माण में आपकी भागीदारी हो ताकि हम कुछ कर सकें, कुछ जमाने के लिए कुछ कर जाते जाते कुछ कर जाए तो क्या होता है, लोग याद रखते हैं, आखिर समय तक याद रखते हैं उसने कुछ किया। मैंने शेखर सिंह से बात चली, शेखर सिंह ने अपने पिताजी के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज चल रखा है, आपने बहुत बढ़िया काम किया, पिताजी को आपने अमर कर दिया। वास्तव में सही काम वही है जो उनके मृत्यु के बाद भी उनको अमर करते हैं, जो पुत्र भी वही सही है और जो काम करने वाले वो भी सही हैं, जो कि स्मृतियों को अमर कर दें ऐसा काम हम लोग करते हैं, ऐसे कुछ अक्षय कीर्ति वाले काम हो जाए। यज्ञ इसी निमित्त हमको याद कराने के लिए किया जाता है। तो आज हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ के मूल अर्थ को समझेंगे। यज्ञ यज साधु धातु से बना है, यज से यज्ञ, यज का अर्थ होता है तीन, दान देव पूजन संगति का। दान यानी देना, परमार्थ के लिए कुछ देना, क्या देना, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, धन अकेला नहीं है हमारे पास, हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें हैं, समय है, विभूतियाँ हैं, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास समाज के लिए देने लायक इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सब दे सकते हैं भगवान के लिए, कुछ ना कुछ एक हिस्सा भगवान के लिए निकाल। हमारी बहनें न जाने कब से यज्ञ करती चली आ रही, आप में से कोई यज्ञ करता, बलिवैश्वी यज्ञ आप में से कोई करता है कि चौके में आपको याद होगा, हमारी मेरी माँ ने मुझे बचपन में यज्ञ सिखाया ऐसे करते हैं यज्ञ, बल्कि तुम मत करना, उन्होंने कहा कि करती तो बहने ही है, गोग्रास कहते हैं उसको, गोग्रास में थोड़ा सा हिस्सा रोटी का टुकड़ा निकाल करके और उसको रोटी सब्जी थोड़ा दाल चावल जरा सा निकाल करके 5 बार गायत्री मंत्र बोलकर स्वाहा 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 उसको आहुति देते हैं, थोड़ा सा सुगंधित धुआं घूम जाता था, क्या नहीं रहता था, सुगंधित जल जाता है तो वो घूम जाता था, मुश्किल से 1.5-2 मिनट में हो जाता था। तो ये बलिवैश्वी यज्ञ कराता है, बलि वैश्वी यज्ञ, ये यज्ञ का एक प्रकार हुआ, ये दे देना, ब्रह्मांड में वापस लौटा देना, अपने पास नहीं रखना, इदम न मम, हम यज्ञ के बाद कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये किसका है, भगवान का हिस्सा है, भगवान उनकी कृपा हुई है तो मुझे मिला, इतना बड़ा मकान है ये मेरा नहीं है, ये तो मुझे मैंने अपने पुरुषार्थ किया, बाकी भगवान ने कृपा बरसाई, ये बार बार ये भाव मन में आता रहता है, भाव आता है, तो ये कृतज्ञता का भाव जो है भगवान को बहुत अच्छा लगता है, और अहंकार का भाव भगवान को अच्छा लगता है। अहंकार का भाव निकालने के लिए इदम न मम, इदम यानी यह, न यानी नहीं, मम यानी मेरा, ये मेरा नहीं है, किसका है, इदम गायत्री इदम न मम, ये गायत्री माता का है, गायत्री माँ शक्ति का है, गायत्री मधु विद्या है, ब्रह्म विद्या है, हम सबके अंदर रोम रोम में कण कण में समाई है, इस गायत्री को यदि हम जज्ब कर लें, अपने अंदर एब्जॉर्व कर लें तो हमारे जीवन में हाल है। यज्ञ का पहला अर्थ दान, दूसरा अर्थ है देव पूजन, देव पूजन यानी अपने व्यक्तित्व की श्रेष्ठ वृत्तियों का पूजन, हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमारा व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी जिन जिन इन्ग्रेडियंट से बना है उनमें हमको टाइम मैनेजमेंट करना आता है, उनमें हमको हमारी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है, हमारे पास कार्य करने की क्षमता, हमारा मैनेजमेंट मैनेजरियल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, इन सब का पूजन, इन सबको बढ़ाना, संवर्धन, व्यक्तित्व को श्रेष्ठतम बनाने की प्रयास। सेकेंड अर्थ है व्यक्तित्व को परिष्कृतिकरण, व्यक्तित्व को हम अच्छा पॉलिश कर दें और बढ़िया बनाए, यज्ञ के माध्यम से हम पहले दान देना सीखते हैं, दूसरा हम सीखते हैं व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास,
तीसरा है संगतिकरण, संगतिकरण साथ-साथ चलें, साथ-साथ चलें, आप लोग हम लोग सब साथ-साथ चलें, कितना अच्छा लगेगा, कोई भी अच्छा काम हो, अगर आप लोग हम सब लोग निकले यहाँ से और एक मार्च करें, रशियंस जितने भी हैं या जो इस कॉलोनी में रहते हैं वो लोग सब देखे कहेंगे कोई खास बात है क्या, सब दूसरे भी लोग जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं सुरक्षा में, एक दूसरा उन्होंने कोई मूवमेंट चालू हो जाता है। गांधी जी ने जब दांडी यात्रा की थी नमक की, तो उन्होंने अपने लोगों को साथ लिया, 100 लोगों को साथ लेने की बात थी, 69 लोग ही साथ हो पाए, और वो 69 लोगों ने दांडी मार्च में अपने आप को अमर बना दिया। सत्याग्रह एक ऐसी चीज़ बन गई जिससे कि नमक बनाना एक छोटी चीज़ एक सिंबल बन गया और अंग्रेजों की सरकार चली गई। भाइयों ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, संगतिकरण जो है आज समाज में नहीं, सबसे ज़्यादा डिवाइडेड हिंदू है, सबसे ज़्यादा यूनाइटेड मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर आज देखें हिंदुओं में क्या है, हम इस संप्रदाय के, हम इस्कॉन वाले, हम स्वामीनारायण परिवार वाले, हम स्वाध्याय परिवार वाले, हम आपको मालूम नहीं वो बाबा जी महाराज जो है ना उनके फॉलोअर किसी के भी रहो पर हिंदू तो कहो अपने आप को, वो ना गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हिंदू तो हैं क्या, हम हिंदू ही नहीं कहते अपने आप को, हम तो इसलिए हिंदू सबसे ज़्यादा डिवाइडेड है। अगर हम संगठित हों, संबद्ध हों कि मानसा के मान्यता के अनुसार से जुड़ जाए, तो ये यज्ञ की भावना, यज्ञ का मतलब है एक साथ चलना, एक साथ चलना, एक साथ चलना धर्म का काम। इसलिए यज्ञ जो है सबसे अच्छी प्रेरणा देता है, धीरो योजना प्रचोदया, श्रेष्ठ मार्ग पर चले और एक साथ चले, योजना प्रचोदया। गायत्री महायज्ञ जो है वो विशुद्ध रूप से एक निष्काम कर्म के भावना से किया गया यज्ञ है। योग यज्ञ भी होते हैं और तंत्र यज्ञ भी होते हैं। तंत्र यज्ञ हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कौन से कर रहे हैं, योग यज्ञ कर रहे हैं। तंत्र यज्ञों में क्या होता है कि कई तरह की अन्न के दानों की और इनकी आहुतियाँ दी जाती हैं, और योग यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। तो हम लोग जो दे रहे हैं जड़ी बूटियाँ हैं, सब कुछ खा, आप जो देख रहे हैं ये शांति में बनी हुई हवन सामग्री है, इसमें करीब 14 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, कोई अन्न नहीं है इसके अंदर। और आप देखेंगे यदि मौका लगे इसके बाद यज्ञ करने के बाद आपके हाथ में भी अन्न हवन सामग्री आएगी, खुशबू लीजिएगा, इससे पता चलेगा कि कितना बड़ा काम गायत्री परिवार के द्वारा हुआ है। प्रतिदिन का प्रोडक्शन शांतिकुंज में प्रोडक्शन हमारे यहाँ 40 टन से लेकर 50 टन हवन सामग्री प्रतिदिन से, और हमारा जो मूल केंद्र है गायत्री तपो मथुरा वहाँ से 1500 टन प्रतिदिन पैदा होती है और उतनी ही खपत हो जाती है। यानी कितना बड़ा काम गायत्री यज्ञों के द्वारा वातावरण के परिशोधन परिष्कार का चल रहा है। न जाने कितने हम लोगों ने बगीचे गोद ले रखे हैं, न जाने कितने हमने जंगल गोद ले रखे हैं जहाँ से जड़ी बूटियाँ आती हैं और इकट्ठी होती हैं, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद उनमें सब इन्ग्रीडियंट्स डालते हैं, मिक्स होते हैं। कभी आप मौका लगे तो आप छात्र में जाकर फार्मेसी देखिएगा, तपोभूमि मथुरा जा करके वहाँ की लेबोरेटरी देखिएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हवन सामग्री मिल तो जाती है पर वो हमारे पास रखी है बहुत दिनों की, रखी है 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, घुन लग गया होगा और घुन की आहुति दोगे तो बलि यज्ञ हो जाएगा आवश्यक। इसलिए जब भी दो हवन सामग्री शुद्ध हो, ताजी हो और कम से कम थोड़े दिन दिखाई दे, ऐसे ही हम हवन सामग्री से हवन करेंगे। हवन करने के लिए अपनी मनोभूमि बनाना जरूरी है, और मनोभूमि बनाने के लिए मैंने आपको प्रारंभिक चीज़ें बताई कि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपना जीवन शुरू से आखिर तक यज्ञ में रखा और वहीं से शुरुआत की पूरा। उन्होंने अपने खुद भी 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए। 1911 में उनका जन्म हुआ आगरा के पास रावलखेड़ा नाम का छोटा सा गाँव जले सफर एटा की तरफ, और वहाँ से शुरुआत करके उन्होंने अपने जीवन को ऐसा ऊंचा उठाया कि आज इतना बड़ा गायत्री परिवार जो खड़ा हुआ उसी की वजह से खड़ा हुआ। आज करीब 10 करोड़ व्यक्ति गायत्री परिवार से जुड़े, 10 करोड़ लोग गायत्री परिवार से जुड़ करके एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हम लोग उनके पिछले साल हमने उनकी 100 साल मनाए, उन्होंने 1990 में समाधि ले ली, वंदनीय माता जी ने 1994 में समाधि ले ली। हम लोग उनके काम को आगे बढ़ाते हैं, उनके काम को जितना ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा। विभिन्न विद्यालय बनाए, महाविद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, देखते देखते काम आगे बढ़ता चले। भगवान के काम को आगे बढ़ाते रहना ही यज्ञ है, संवर्धन यज्ञ है, मॉडिफिकेशन यज्ञ है, परिमार्जन, ये हम लोग करना है। आइए कमर सिद्धि कर लो एक बार साथ साथ, आप बातें मत करिए भाई, अगर थोड़ी देर के लिए यज्ञ के लिए आए तो थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग यहीं लगा दीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वः।
स्वस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम लोग यज्ञ का पावन कर्म शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करेंगे भगवान की याद के साथ, भगवान की स्मृति के साथ। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीमेधाधराभूष्टी गौरीभूष्टी प्रभाकृती एताभिपारितरुभिः पस्ताभिर्मां सरस्वती सरसपदपङ्कज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानन्दान्याय। ते निर्जरत्वमियान्ति कलेवरेण भुवनि वायुगगनाङ्गुविनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लालबिन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय ये मान के चलते हैं कि जो भी साधनियाँ रखें ये पवित्र हैं, इसके बावजूद जल और पुष्प, जल आप रखना पुष्प डाल दो ऐसा आप जल डालें यज्ञ कुंड के ऊपर पवित्र करने के लिए, वो फूल साबुत फूल पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीमः। सबके आप सब आए यहाँ टाइम निकाल करके आपका सबका अभिनंदन करते हैं, यहाँ पर चावल डाल के सबका अभिनंदन। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु वाग्वंसस्तनूभिः ग्रसेम हि देवहितं यतायुः। करना है हर बार स्वाहा का स्थान, एक बार हाथ में जल लेंगे दाया हाथ में जल लेंगे तो उपी जाएंगे मन वचन और अंतकरण की शुद्धि के लिए। अभी हमने ऊपर से जल डाला अब अंदर भी जल डालेंगे मन वचन अंतकरण की शुद्धि के। ॐ अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृता पिधानमसि फिर से लीजिए। अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर से लीजिए तीसरी बार लीजिए अंतकरण की शुद्धि के लिए। ॐ सत्यं यजामि मयि श्री सैतां स्वाहा। हमारी भारतीय संस्कृति में
शिखा को ऊपर ज्यादा महत्व दिया गया, शिखा का वंदन करते हैं, पूजा करते हैं। शिखा वो स्थान है जहाँ पीनियल ग्लैंड होता है, शिखा वो है जहाँ बाइपेडल आज्ञा चक्र होता है, यहाँ हम लोग उसका पूजन करते हैं। बाएं हाथ में जल लेंगे, दाएं हाथ की पांचों उंगली को डुबोइए और उसके बाद यहाँ लगे। हमारे बहनों ने, कुछ लोगों ने शिखा जीवित रखी है। आपकी, आप लोगों की किसकी चोटी है, चोटी है किसी की, सबके बाल कट गए, कोई बात नहीं। हमारे भाइयों में से कुछ लोग जिंदा रखते हैं इसको, और किसी का तो वो स्थान ही खाली हो जाता है, वी बिकम पार्ट वेरी फास्ट। तो उसको यहाँ पर पूजन की दृष्टि से होती है, सर्वोच्च स्थान है इसकी हम पूजा करते हैं, और हम हमेशा अपने बुद्धि को प्योर बनाए रखेंगे। ओम चंद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठते निशिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। प्राणायाम, प्राणायाम एक बहुत बढ़िया कर्म है। अब हाथ चल चल हाथों को छोड़ दीजिए, दोनों हाथ ऐसे रगड़ लीजिए एक बार। अब प्राणायाम करना है, प्राणायाम कमर सीधी करके किया जाता है। मैं आप एक बार मेरे कर्म देख ली, फिर मंत्र बोलने के बाद ऐसे बाएं बाएं नथुने को ऐसे कवर, इससे बाएं अंगूठे से ढका, और उसके बाद फिर दाएं से खींचा। अब नाक साफ तो करना नहीं, तो मत करना, बहुत जरूरी है, तो आप कुछ का कुछ प्राण की वजह कुछ और निकालेंगे। इधर से दाएं से खींचना, फिर रोकना उंगली से, ऐसे फिर थोड़ी देर रोका अंतर कुंभक, फिर बाएं से छोड़ा, फिर थोड़ी देर बिना सांस के रहे, फिर बाएं से खींचा, रोका और छोड़ा। मतलब लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, एक रिदम है, एक चक्र बन जाता है, इसको कहते हैं प्राणायाम। एक प्राणायाम अगर आप प्राणायाम रोज करें तो इतना मौसम जो चेंज हो रहा है ना, ठंडक वंडक आ रही, ये सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। आप रोज करें अगर प्राणायाम तो अभ्यास कर रेगुलर, लोम विलोम सूर्य भेदन प्राणायाम कहलाता है, सूर्य प्रत्याहार करते हैं। एक बार चक्र पूरा हो जाए उसके बाद फिर आप मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद प्राणायाम करिए, हम भी करेंगे आपकी अपील करेंगे। ओम 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 सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भगवो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसंवृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। बाएं हाथ को फिर जल लीजिए, अपने को पवित्र बनाना है तो एक बार और बाएं से दाएं की ओर पवित्र कर्म की ओर चलना पड़ेगा। अभी बिना पवित्रता के कई अर्थों में दाएं हाथ की पांचों उंगलियों को बाएं हाथ में डाल, बाएं हाथ की अर्थ से डालेगा, फिर डाले जिस अंग को कहा जाए उस अंग की ओर पवित्रकरण की दिशा में डालती जाती है। ओम वांग में आशीष्टु मुक्त, ओम नसो में प्राणोस्तु नासिका, ओम अक्षरो में चतुरस्तु, दोनों नेत्रों को, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को, ओम बाहुओं में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम उरुओं में ओजस्तु, दोनों जघाओं को, ओम अरिष्टानि में गालितमस्तन्वामि सहसंतु। जिस पृथ्वी में हमें जन्म मिला उस पृथ्वी का हम पूजन करते हैं। पृथ्वी पूरी विश्व की एक ही है, चाहे रशिया की धरती हो चाहे भारत की धरती हो, लेकर भी घूम करके तो एक ही पृथ्वी धरती माता को हम जितना भी चीरें उतना देती ही है। हम अपने आप को चीरें तो हम ही देंगे, हम दर्द के मारे चीख पड़ेंगे, पर धरती माता के इस पर हमने मकान बनाए, फसल बोई तो इसने कई गुना मल्टीप्लीकेशन करके मिली। ऐसी पृथ्वी माता को धारण शक्ति की देगी, इसकी धारणा शक्ति बड़ी प्रबल है, इसका पूजन करता है। थोड़ा सा जल खाते हैं आप दोनों व्यक्ति के ऊपर और ये सामने वाली प्लेट पर डालते हैं। ओम पृथ्वी त्वयाजिता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता पंचधारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। धरती को हाथ लगा कर प्रणाम करें, धरती को मान लीजिए। ओम नमो सूत्राय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षे गुरवे सहस्रनाम्ने कुशाय शाश्वते सहस्रकोटि सहस्रधारिणे। चंदन भाग, एक दूसरे को चंदन लगा देंगे। ये एक कटोरी में रोली है, अनामिका उंगली में ले लीजिए, सब लोग थोड़ा गीला कर लीजिए। इस उंगली से लेके एक दूसरे को छोटा देख लगा, ये वाला ये जो है आज्ञा चक्र का में जो कह रहा था ना, आगे वाला हिस्सा ये है, पीछे वाला हिस्सा ये है का है, तो ये आज्ञा चक्र वाले हिस्से का पूजन कर लेंगे, चारों का पूजन कर लेंगे। रिंग फिंगर में सब लोग ले लीजिए, दूसरे मस्तक पे लगा ले लीजिए और लेकर घुमा दीजिए, कटोरी लेके आगे देते जाइए।
ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरे नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्यणि ईश्वरीं सर्वभूतानां नामि होपवेश्यम् ओम स्वस्ति न इन्द्रो विदस्रवा स्वस्ति न भूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्यो वरिष्ठनेमि हाथ में ले लीजिए और फिर उसके बाद आप स्वयं लगा लीजिए, खुद लगा लीजिए। जैसे आप बिंदी लगाती ना रोज, उस तरह से लगा लीजिए। आप भी ले लीजिए पीछे बैठे। कला वही बांट रहे हैं जो मौली कहते हैं, जिसको मौली और कई लोगों में उसका नाम लग गया है। तो ये एक 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 अपने हाथ में लेने, एक दूसरे को मारने जल्दी बंधेगा। ये रक्षा सूत्र कहा जाता है। रक्षा सूत्र जो है एक दूसरे की रक्षा करने के लिए भी जो मंत्र बोला जाता है। सब लोग ले लें अभी। दीदी एक में से और सूत्र निकाल दो, जब भी मौका आगे लगे तो फिर पहन लीजिएगा। ओम व्रतेन दीक्षाम आप्नोति दीक्षयाम दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धाम आप्नोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। मैरिड बहनों के लेफ्ट हैंड में और जो अनमैरिड है उनके राइट हैंड में। मैरिड बहनों के लेफ्ट हैंड, भाइयों के भी राइट हैंड, भाइयों के राइट हैंड, भाइयों के सभी के राइट हैंड, उसको राइट हैंड में एक दूसरे को बांधे, एक दूसरे को। ये पूजा का हर कर्मकांड जो है ना, हमारे लिए टीचिंग है। आप बच्चों को पढ़ाए आप मिले और आप खुद भी पढ़ी हुई हैं, परंतु ये पढ़ाई हम आपको कराते हैं ताकि आपको ये सीखने को मिले कि हमारी संस्कृति क्या है। हाथ जोड़ लेंगे सर। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। आप सभी लोग नमः बोल सकते हैं। महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृशरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सिद्धेभ्यो नमः। ओम एतत् करम महर्षि गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्यां दीर्घायुरस्तु। षोडशोपचार क्या पूजन किया जाता है, बड़े यज्ञों में पुरुष सूक्त के माध्यम से किया जाता है। यहाँ हम लोग जल पुष्प अक्षर समर्पित करते हैं, एक मंत्र के माध्यम से पूरा समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। आसन इत्युक्ते में जल। पाद्यम समर्पयामि जल, अर्घ्यम समर्पयामि। उनको पाद प्रक्षालन के लिए हम अर्घ्य समर्पित करते हैं। आचमनम समर्पयामि पानी जल पीने के लिए। स्नानम समर्पयामि स्नान के लिए जल। वस्त्रम समर्पयामि एक कलावा। यज्ञोपवीतम समर्पयामि प्रतिकृतो हि। ओम गंधम विलेपयामि छोटा। ओम अक्षतां समर्पयामि हमारे कटूर निष्ठा के प्रतीक के रूप में हम अक्षत समर्पित करते हैं। पुष्पाणी समर्पयामि। आप हाथ लगाते हैं। ओम धूपम आर्धापयामि दीपक और अगरबत्ती जल रही है।
ओम दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्य के प्रति ओम तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि ओम दक्षिणां समर्पयामि ओम सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि कोई भी भाव छूट गया हमारा उसके प्रति कृपा अक्षत तत्व नमस्कारम प्रणाम कर लिए सभी हाथ जोड़ के ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवारे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे सबका कल्याण हो हम किसी का बुरा नहीं चाहते इस बात को जरा जोर से कहा जाता है अब अपने दाएं हाथ में पुष्प ले लीजिए चावल ले लीजिए चावल सबको सबको पुष्प एक एक पुष्प ले लीजिए पुष्प को ऐसा कर तोड़ लीजिए थोड़ा सा तो उसके एक एक पंखड़ी में अगर आ जाएगी सबके पास तो अच्छा है तोड़ के दे दीजिए स्वस्ति वाचन जोर से कहा जाता है कोई भी अच्छी बात होती जोर से बोली जाती है माइक पर बोली जाती है कोई भी बुरी बात होती है तो कान में बोली जाती है मोबाइल से बोली जाती है हम अच्छे काम करें अच्छी बात बोले जोर से बोले बड़े अच्छे अच्छे काम किए हमने ऐसी बात हम अच्छी तरह ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृषश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वर्षनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वभिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः सत्रैस्थो विष्णोः चूरसि विष्णोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम् ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शांति यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं यज्ञ के पहले हम चाहते हैं कि चारों तरफ से रक्षा हो चारों दिशाओं से रक्षा हो ध्यान दे बात ध्यान देंगे प्लीज पूरब दिशा किधर है ईस्ट किधर इधर से चालू करेंगे क्लॉक पर ही घूमते जाएंगे ऐसे क्लॉक वाइज घूम करके पूरा वापस में आएंगे और फिर ऊपर डालेंगे नीचे डालेंगे जैसा हम बता देंगे दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तुजनार्दन उत्तरे श्रीपति दक्षिण ईशान्यं महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धात्रा हो यजोऽन्तस्य रक्तम् अनुक्तमपि यदस्थानं रक्षद्विशो मातुः अप्सर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारं ते रक्षन्तु शिवाज्ञया
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो विषम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ धर्मसमारते। अग्नि स्थापन करेंगे, ज्ञानेश्वर आपकी मदद करेंगे। अग्नि स्थापन करने जा रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट उससे नहीं करते, माचिस से भी नहीं करते और डायरेक्ट लाइटर से भी नहीं करते, क्योंकि इससे लोग गलत चीज़ जलाते हैं, सिगरेट जलाते हैं। हम लोग करते हैं अगरबत्ती से करते हैं, अच्छा होता है। अगरबत्ती सुगंधित है और हमेशा पावन पुण्य कार्यों में यूज़ होता है। आप भी आगे भी चल के कभी यज्ञ करने मौका मिले तो आप भी कह दीजिएगा हाथ ऊँचा करके, भाई साहब अगरबत्ती से करिए, आप ऐसे मत करिए, ठीक है ना। आपको भी याद रहेगा, अंदर कपूर रखा है, कपूर अग्नि की शिक्षा को ध्यान में रखेंगे। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर चलती है, हम भी ऊंचा चलेंगे। अग्नि प्रकाश देती है, हम भी प्रकाश की ओर चलेंगे, प्रकाश जैसा बनेंगे। अग्नि विस्तार करती है, फैल जाती है, हम भी फैलेंगे। अग्नि तेज होती है, उसकी तीव्र होती है, तब तेज तीव्र भी तेज होता है उसका, ऐसे हम भी बनेंगे। अग्नि के अंदर जो भी जाता है खुशी हो जाता है, हम खुशी हो जाएंगे। लेकिन उस बात को आज भी याद रखेंगे। ओम भूर्भुव स्व द्यौरिव भूम्ना पृथिवी भवरेम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं लूटं पुरो दधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम मने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सारं करोमि यथाचित्तं पुष्पाणि। देखिए अग्नि देवता के पहली बार दर्शन हुए हैं अग्निकुंड में, सब लोग हाथ जोड़ते हैं, अग्नि देवता को नमन करते हैं और उनका गंध अक्षत की शुद्धि स्वागत करते हैं। इसके साथ हमेशा गायत्री स्तवन किया जाता है। गायत्री स्तवन सूर्य देवता की प्रार्थना, हवन बना दो हे देव समता पुरा तुम्हारे साथ सूर्य। मंडलम् दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं देवगमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातुमां तत्सवितुर्वरेण्यम्। मंडलम् देवगणैः पूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमूर्तिर्गोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं ज्ञानगणत्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोहयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। सर्वगणस्य विष्णो आत्मा परं वामविशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरयोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदस्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं योगपथानुगम्यं तत्सर्वेदं प्रणमामि दैव्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। आप अपने प्रतीक के रूप में आप भी वहां से हाथ ऐसे कर सकते हैं। चार संविधा प्रतीक के रूप में भाई सिंह साहब दीदी हाथ लगा लेंगे। सभी लोग स्वाहा एक साथ बोले। दूसरी संविधा ये हमारे
पराक्रम के प्रतीक के रूप में हम हर चीज भगवान के साथ मिलकर करें, एक साधना के लिए, उपासना के लिए, एक साधना के लिए, एक आराधना के लिए, एक हमारे जीवन के इतने रिसोर्सेज हैं भगवान के काम में लगे, इस भाव से करें। ओम संविधायतम आस्मिन हव्याजोदन स्वाहाय सोचिषे घृतम तीव्रम जुहोदन अग्रे जातवेदशे स्वाहायामसि यच्छोचाय विष्टय स्वाहा। जल कुट की चारों ओर जल छिड़का जाता है ताकि हम उसकी रक्षा करें। जल और हमारा जो अग्नि है और जल, इन दोनों का युग है, जहाँ अग्नि होती है वह जल से ठंडा करते हैं, चाहे जल होता है वह अग्नि करते हैं। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि चारों तरफ से यज्ञ कुंड में कुछ कीड़े मकोड़े या सब लोग करते हैं, कोई वायरस नहीं आने पाए, कोई और विषाणु जीवाणु न आने पाए, यही हम चारों तरफ जल रखते हैं। आदि तीन मनस्वी पूरे ओम अनुमति मन्य स्वी पश्चिमे ओम सरस्वती मन्य सरित उत्तरे जाएंगे जब वापस जाएंगे। भाइयों जब स्वाहा बोलेंगे आप सभी लोग एक साथ स्वाहा बोलेंगे। ओम प्रजापते सभी लोग गायत्री महामंत्र एक साथ बोलेंगे, स्वाहा एक साथ बोलेंगे, और आप लोग जो यज्ञ कुंड के समीप है वो लोग आहुतियाँ देंगे, लेकिन आप लोग सभी लोग गायत्री महामंत्र जरूर बोलेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भगवदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। एक ऊपर से डालते हैं वो बचा हुआ बाद में काम आएगा। Oh, dear.
स्वाहा धीमहि धियो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा हम सब उनके लिए भगवान शंकर से भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं आपकी जीवन में सुख सौभाग्य यश श्रेय होती रहे और हम सबकी मंगल कामना इस मंत्र की तीन आहुतियाँ डालेंगे तीन आहुतियाँ जन महामृत्युंजय ुगंधिवदनमुकमिव बंदना मृत्योर्मुखीयृता स्वाहायुगंधिवदनमुकमिव बंदना मृत्योर्मुखीयृता स्वाहा कार्यक्रम जो है यहाँ आदेश जा रहे हैं लोग आ रहे हैं। अब पूर्णाहुति के पहले हम लोग एक प्रायश्चित की आहुति डालते हैं। प्रायश्चित की आहुति इसलिए कि हमारी आहुति में कोई भूल रही हो, कोई गड़बड़ हो गई हो, भूल का प्रायश्चित होता है। नैवेद्य के समर्पण के रूप में प्रतिदिन हम एक कुछ आहुति में डालते हैं। हवन सामग्री के संपर्क मिला एक चम्मच ले लें, केवल एक चम्मच ले लें, उसमें थोड़ी हवन सामग्री मंत्र पूरा होने के साथ स्वाहा के साथ ओम यदस्य कर्णो केलीलिचम यद्वा न्यूनं हाकरम् अग्निश्चत सृष्टकृत्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अपगये सृष्टकृते सुहृत हुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्थये सर्वान् कामान् समदय स्वाहा इदम् अग्ने सृष्टकृते इदं नाम पूर्णावती करेंगे। पूर्णावती के लिए सबके पास हम सामग्री भेज रहे हैं, सब आगे वाले दे देंगे, उसके साइड सामग्री सब हम वहाँ बोलते चले जाएंगे, सब आके अपने अपने आहुति सुन डालते हैं। पूर्णावती ये हम हवन सामग्री जो है पीछे सबको पहुँचा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लें। ये आहुति आप दे देंगे, एक बाकी सबके सब ले लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए। सबके पास आ गई हम सब। अभी घी जो आपने उसमें डाला है वो सबके पास बटवा दीजिए। सब लोग ये घी यज्ञ यज्ञ देवता की आहुति के बाद से इसमें घी बचा हुआ घी और जल है, इसको सब लोग अपने हाथ में ऐसे ले लेंगे। बड़ा ले लीजिए एक बार, और इसको लेकिन फिर हाथ में रब करना है इसको। ॐ अग्ने यन्मे तन्वामन्त्रमाप्रिण ॐ मेधामे देवः सविता दधातु ॐ मेधामे देवी सरस्वती दधातु ॐ मेधामे अश्विनौ देवा
उसको रब कर लेते, रब करके चेहरे पे लगा लीजिए, छाती पे लगा लीजिए, जहाँ जहाँ जा सके बस बता रहे। भस्मी हो तुम तो सबको होना है एक दिन, हमारा सबका जीवन का इसलिए ध्यान रखते हुए क्योंकि कि भस्म को धारण करते हैं अपने चार जगह लगाएंगे, एक बार सिर पे, एक बार यहाँ पर, एक बार दक्षिण बाहू यानी दाएं बाह की जड़, ये कंधा दाएं कंधे पर और छाती के ऊपर मंत्र के साथ पीछे पीछे तक घुमा दीजिए। ओम त्रायुषम जमदग्नि इति ललाटे, मस्तक पे लगाइए। ओम कश्यपस्य त्रायुषम इति ग्रीवायाम, गर्दन पे लगाइए। ओम धनुर्वेश त्रायुषम इति दक्षिण बाहुये, दाएं कंधे पे लगाइए। ओम धनुर्वास्य त्रायुषम इति हृदये, हृदय पे लगाइए। हमारे बहन जी का जन्मदिन है, पंच तत्व रखें सामने, शरीर पंचतत्वों से बना है, तो इस पंचतत्वों का स्मरण करते हैं, विभिन्न रंगों के हैं, आपको व्याख्या करते जाएंगे रंगों के रंग का हमें करना है। बाकी एकीकरण पूरा हो गया, केवल पंचतत्व का पूजन, पंचतत्व की बनी हुई काया है, चित्ती जल पावक गगन शरीर धरती तत्व पृथ्वी तत्व आकाश तत्व अग्नि तत्व वायु तत्व, इन सब का पूजन करते हैं, करने से शरीर को हम ऐसे पावन बनाए रखते हैं और इसके माध्यम से जो भी हमसे महत्वपूर्ण काम हो सकता है गतिशीलता और जीवनी शक्ति प्रदान करें, और जीवनी शक्ति प्रदान करें। अग्नि देवता हमें तेजस और वर्चस्व प्रदान करें। आकाश देवता हमें उदार स्थान बनाए, उदारता। अब मंत्र बोलेंगे, आप केवल हाथ जोड़ के जो श्रेय की ओर ले जाए, ऊंचाई की ओर ले जाए, ऐसे पद पे चलूंगा। अब और हाथे से करते हैं, अब ये पांच देवताओं की साक्षी में व्रत लेते हैं। व्रत क्या लेना है आपका जमीन है, आपको सोचना है आज से क्या व्रत अच्छा लें, एक बुराई छोड़ दें, एक अच्छे काम का व्रत सोच। बोलिए हमारे साथ, बोले ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम अग्नये नमः। फिर हाथ फैला लीजिए। ओम वायु व्रतपते, ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, ओम चंद्राय नमः। पांचवा अंतिम है ना, व्रतों के देवता अधिपति, उन सब प्रार्थना करते हैं हमारे आत्म देवता, संकल्प के देवता। ओम व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम इंद्राय नमः। देखिए आपका ये हो गया।